बाड़मेर जिला अस्पताल के मॉर्चरी के बाहर गणेश को इंसाफ दो को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में कहा गया कि जब तक गणेश के हत्यारों को बाड़मेर प्रशासन सजा नहीं देगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। बता दें कि अभी तक गणेश की बॉडी बाड़मेर मॉर्चरी में ही है, इंसाफ के बाद ही बॉडी को उठाया जाएगा। प्रदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष आदू राम मेघवाल, शिव पूर्व प्रधान उदा राम मेघवाल व बाड़मेर प्रशासन के कई अधिकारी व अन्य कई समाज के लोग मौजूद रहे। संविधान रचा है वो संविधान मात्र और मात्र दलितों के लिए नहीं था, शोषितों के लिए नहीं था, मानव धर्म के लिए था। आज शासन प्रशासन के लोगों की इतनी हद हुई कि आज हमारे दलित समाज का एक उभरता हुआ नेता, एक उभरता हुआ होनहार बच्चा, उद्यमी, उद्योगपति, उसकी डेड बोरिया तीन दिन से यहाँ पे मोर्चरी में पड़ी है। आज कोई पशु की भी डेड बोरी होती है तो घंटे दो घंटे में उसका क्रियाक्रम कर दिया जाता। आज मानवता 500 साल पीछे वाली सालों को याद करा दिए। आज हमारे में दोष भी है मगर अपने दोष में काम कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग यही चाह रहे हैं कि ये कब कोई छोटी सी भी गलती करे और अपन को दोषी होए और अपन को दोषी बनाने की कोशिश करता है। आज गणेश जी के शब्द में बोलने से पहले कहूँगा, कर चले जा फिदा हम जा साथियों, अब तुम्हारे वतन ये तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। गणेश जी ने अपनी जान की बाजी दी, जमीन के लिए नहीं दी। गणेश जी ने अपना शरीर को त्याग दिया, जमीन के लिए नहीं दी। पर जो शासन प्रशासन ने उनके साथ में कूटनीति रखते हुए न्याय तंत्र ने उनको न्याय दिया मगर उस न्याय तंत्र को उन्होंने नहीं माना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो धाराएं बनाई, जो संविधान बनाया, वो संविधान के तहत गणेश जी कोर्ट में सभी केस के अंदर विजेता हुए। फिर भी शासन प्रशासन के लुटेरे लोगों ने उस न्याय तंत्र की बात को न मानते हुए उस गणेश को इतना मजबूर किया कि उसके घर के अंदर कोई तकलीफ नहीं थी, नहीं कोई मजदूरी करने की जरूरत थी। वो तो एक उद्यम था, एक उद्योगपति आदमी था, सक्षम था। फिर भी आप मान लो वो कितना मजबूर हुआ होगा, वो कितना लाचार हुआ होगा कि उसने अपने जीवन लीला को एक अपने सबके बीच में से विदाई ली।